आज यहाँ पर पहली बार शिरडी में आया हूँ और पहली बार भोजनालय स्टार्ट हुआ है आफ्टर कोविड, तो बहुत अच्छा लगा खा के। सब कुछ बहुत बढ़िया था, साईनाथ की कृपा है, सब कुछ, किसी को कुछ देना नहीं है, सारे पेट भर के खा रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं साईनाथ। जय साईनाथ। बाबा का प्रसाद कुछ और ही है बस, बाबा का प्रसाद जो किसी होटल से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि बाबा ने ही खाना बनाया है और ये खाने का तो स्वाद हम पहले से ले रहे हैं, अभी से नहीं, लेकिन इतने बरस में आज पहली बार हम लोग को ये चालू हुआ है, लॉकडाउन से पहली बार खाना चालू हुआ है। किसी भी रेस्टोरेंट में जो पुण्य नहीं है वो इस खाने में है, एक बार आके इतना स्वाद ले लीजिए। सच में हम बहुत भाग्यवान है जो पहली बार खाना चालू हो गया भोजनालय का और उसका स्वाद हमको लेने के लिए मिला। जय साई राम। 7.5 महीनों के बाद प्रसाद लेकर खाना खा के बहुत खुशी, प्रसाद खा के बहुत खुशी। तो सर हम तो बहुत मन्नत देने आए हैं बच्चों की, हमने मन्नत मांगी हुई थी और हमारा सौभाग्य देखिए, हमारा कल का था, हम लेट हो गए आज, मतलब साईं बाबा ने अपना लंगर प्रसाद खिलाना होगा। आज ही शुरू हुआ है 7.5 महीने बाद, बिल्कुल फ्री और इतना शुद्ध खाना, इतना स्वादिष्ट प्रसाद कि मतलब जितना खाओ पेट नहीं भर रहा, बस मन भर नहीं रहा बिल्कुल भी। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है भाई साईं बाबा ने हमें खुद बुलाया है, बहुत ही कृपा है साईं बाबा की। ऐसे 2 साल से कहीं बाहर जा नहीं सके थे, अब थोड़ा खुला तो आए, ऊपर वाले की कृपा साईं बाबा की हुई कि हमको महाप्रसाद का पहला प्रसाद भी मिल गया। 7.5 महीने के बाद ये भोजनालय शुरू हुआ है और बाहर से भी अच्छा रहता है और साईं बाबा का ये प्रसाद है, बहुत खुशी हो रही है।
शिरडी साईं बाबा की नगरी से जुड़ी हर खबर से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने मित्र और परिजनों तक पहुंचाकर साईं बाबा के प्रचार एवं प्रसार में अपना योगदान जरूर दें। ओम साईं राम। धन्यवाद।